रथ यात्रा और इंद्र पूजा का चंदा उकारने के लिए मतलब हमारे मोहल्ले को मेरे को सौंप दिए हैं, तो मैं अभी जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो राम राम दोस्तों, डूला फैमिली ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और अभी देखिए हम लोग घर में हैं, इधर बाबू का पकड़ा है। तो हमारे डूला फैमिली ब्लॉग में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे तो और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने में हम लोगों को सहयोग मिलेगा। तो चलिए आज का जर्नी चालू करते हैं। और अभी घर में हैं और इधर बाबू खा रहा है छीला हुआ छोड़ का, ये देखिए। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ तो जंगल, और इधर हम लोग का फूल भी इसको काटेंगे सोच रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं। और आज का मौसम देखिए कुछ ठंडा सा किया हुआ है, बढ़िया लग रहा है आज, नहीं तो सुबह से ही बहुत धूप परेशान हो जाते थे। तो आज मस्त ठंडा है। और इधर हम लोग का गैया चरने गई है, और ये बछड़ा इसको बांध के रखे हैं, क्योंकि हम लोगों की तरफ जो कुत्ता है ना, वो डॉग होता है, वो बहुत परेशान कर देते हैं। मतलब कई जन का ऐसे जानवर को खा दिए हैं, इसलिए हम लोग बांध के रखे हैं। तो चलिए अब चलते हैं जंगल तरफ। हाँ पानी किसी को देने चाहती हूँ, बाहर खाना मजा चाहता है। तो चलिए अब चलते हैं। चलिए अभी निकल गए हैं घर से, और इतना साल आए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 ठो है, 1-8 ठो लाएंगे, फिर बाता लाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं जल्दी जल्दी। और आज मस्त ठंडा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जंगल पहुंच गए, और अभी देखते हैं इस साइड को, और कौन सा वाला काटेंगे। ये वाला बढ़िया है, लेकिन काटने को बनेगा कि नहीं, तो चलिए देखते हैं और फिर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी तो मैं काट लिया हूँ इधर, अभी चलेंगे घर। और धूप भी नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत तेज़ भभक रहा है, तो पूरा पसीना पसीना है। तो चलिए अब, और ये हमारे गरबा के लिए खाना ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये है बिजरा डोगा, ये देखिए उलहोल हुआ पत्ता अच्छे से खाता है, तो इसको ले जाएंगे। तो चलते हैं आप। रथ यात्रा और इंद्र पूजा का चंदा उकारने के लिए
मतलब हमारे मोहल्ले को मेरे को सौंप दिए हैं, तो मैं अभी जाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आ गए हैं और अभी धूप कर रहे, देखिए अब पूरा हमारे मोहल्ले को घूम लिए, बस दो जन बाकी हैं उस मोहल्ले में है, तो उनको अभी जाऊंगा। तो बहुत जने दिए हैं और बहुत जने नहीं दिए हैं, तो 30-29 जने हैं हमारे मोहल्ले में। 29 जन में 9 घर दिए हैं। तो ये देखिए 100 है चंदा, तो इतना सा। नौ सौकार लिए हैं। तो चलिए अब इसको रख देते हैं और फिर चलेंगे। अभी ये दो जन बाकी हैं उनके घर। चलिए अब इसको रख देते हैं और हमारे गांव में रथ होगा और इंदर पूजा करेंगे, बरसात नहीं हो रहा है इसीलिए। तो चलिए अब, वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर सब्सक्राइब करोगे तो और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने में हम लोग को थोड़ा हिम्मत मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं इधर बाहरी तरफ, गोरवा उरवा ढूंका है, देखते हैं। इसको रख देते हैं। चलते हैं इधर, गोरवा ढूंका है साथ। तो चलिए दोस्तों, अभी फिर आया हूँ और अभी 5:30 बज रहा है। तो इधर है हम लोग का बस्ती, मेन बस्ती और हम लोग का घर। तो देखिए यहाँ अकेला घर है एक ठो, यहाँ को भी आना पड़ा और अभी घर में नहीं है शायद। पता नहीं कहाँ गए हैं, कोई तो दिख नहीं रहे हैं। तो अब चलते हैं, अगर उधर मिलेंगे तो बोल देंगे। तो चलिए अब यहाँ को तो देख लिए, नहीं है घर में, तो हम लोग को इतना दूर आना पड़ा, लेकिन कोई काम का नहीं, तो कोई नहीं है ना। तो चलते हैं अब, और यही सौंप दिए हैं इतना। तो पैदल चलते चलते करीबन 1 किलोमीटर, अगर रोड में आएंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो खेत में चलते हैं ना, मतलब खेत में हम लोग का रास्ता है उसी में। तो चलिए जब घर में मिलते हैं। और 10 जन दिए हैं, अभी पता चलेगा शाम को। चलिए अभी घर आ गए हैं और मौसम आज थोड़ा बादल छाया हुआ है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी इधर क्या कर रही देखते हैं।
ए बाबू डोरी ला साकला पर तो घाट का साकल दा देता सभी दोस्तों हाँ तो घर में है और पूरा मौसम खराब कर रहा है। देखिए हवा भी चल रहा है और पूरा अंधेरा छा गया है बादल में। तो देखिए आज लगता है बारिश होगा, अब पता नहीं होगा कि नहीं। और हमारे तरफ लाइट भी गोल हो गया है, ये देखिए पूरा अंधेरा। तो चलिए अभी खा रही है दाल बनाने को तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। हमारे डूला फैमिली ब्लॉग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और गांव देहात और जंगली एरिया का मतलब गांव में कैसा होता है सबको मतलब देखने को मिल जाएगा। तो चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब लग कन की घंटी को जरूर दबा देना।